पिछले जिले दर्शन के चाहने वालों, भगवान जी मुझे आशीर्वाद दे रहे सच में यार। आई लव लेह, लद्दाखी में बोलते हैं जुम्पो रखे, शिम्पो रखे, जिम्पो रखे। गुड मॉर्निंग गाइस, टशी जिले से वाले फुलो नमस्ते, दिस इज योर दर्शन तवांग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल दर्शन व्लॉग्स। और गाइस, इतने दिन में मतलब पूरा बाइक राइड कर करके आप लोग भी मतलब आज व्लॉग देख के हैरान हो गए कि गाड़ी में भाई कहाँ जा रहे हैं। गाइस, अभी मैं हूँ लेह में एंड लेह में स्पेशल बंदे से मुलाकात हो गया है। यहाँ पर हमारे फैजल भाई, जिले दर्शन व्लॉग के दर्शन के चाहने वालों, फ्रॉम लद्दाख मैं पहुँच गया लद्दाख। गाइस, अपना ड्रीम कम्प्लीट हो गया, दार्जिलिंग टू लद्दाख पहुंच गए एंड अभी मैं हूँ लेह सिटी में हमारे फैजल भाई के साथ। एंड अभी थोड़ा बहुत वहाँ पर मार्केट में कुछ काम है तो फैजल मुझे ले जा रहा है। एक्चुअली ना कल शाम को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर वो सारा स्टोरी मैं बाद में बताऊँगा। चलो अभी चलते हैं वहाँ पर मार्केट में एंड मेरा एक नया सिम बनाना है तो फैजल मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस लेह में। एंड फैजल है तो मुझे लेह में कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं होगा सच में। एंड फैजल तो गाइस यहाँ तो फैजल बोलो तो सब पहचानते सच में, तो फेमस यहाँ पर मतलब। और फैजल का गाना मत सुन लेना आप यूट्यूब में भी, बहुत ज़्यादा अच्छा है फैजल। अभी नया और एक गाना भी मतलब रिलीज करने वाले उसके मतलब काम कर रहे हैं। एंड गाइस, ये व्यू तो दिखाना बनता है। देखो गाइस, ये है अपना फैजल भाई का ब्यूटीफुल शहर लेह। वाओ गाइस, है ना बहुत खूबसूरत। यहीं कहीं पर है फैजल का घर। अभी आगे हम वो भी करेंगे, क्या बोलते हैं, वहाँ से लेह सिटी पूरा दिखेगा ना, ये आगे जब जा रहे हैं वहीं पे है। तो ये क्या है ऊपर, सेमो करके मोनेस्ट्री हमारे यहाँ का नाम। बहुत पुराना है ना, काफी पुराना है और उसके नीचे आपको पैलेस भी दिखेगा तो काफी अच्छा रहेगा। बाद में हमें मार्केट इधर से ही रह जाना है, मैं तुम्हें शॉर्टकट से ले जा रहा हूँ तो ये बेटर रहेगा ना कि पहले हमारे दर्शन भाई को हम थोड़े लद्दाख के लेह सिटी का। अरे भाई, लेह में आके मतलब इतने फेमस बंदे के साथ घूम रहा हूँ, खुश नसीब यार। मैं खुद खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि दार्जिलिंग का सबसे बड़ा यूट्यूबर मेरा दोस्त है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना गाइस। स्पेशली गाइस, ले आने का एक मकसद वो भी था मतलब फैजल के साथ एक मुलाकात भी हो जाए। पिछली बार हम लोग दिल्ली में मिले थे, उसके बाद मीटअप भी नहीं हुआ था। एंड गाइस, मैं प्लान कर रहा हूँ कि फैजल को दार्जिलिंग में लेके फैजल का आवाज ना दार्जिलिंग में सुनाना है गाइस। एंड हमारे दार्जिलिंग के लोग तो म्यूजिक के बहुत क्रेजी है, तो चलो एक दिन बनाएंगे, वो भी प्लान करेंगे जरूर। दार्जिलिंग आएंगे ना, दार्जिलिंग के लोग क्या बोलते हो, मतलब फैजल आना चाहिए दार्जिलिंग कि नहीं आना चाहिए? नॉट ओनली दार्जिलिंग, सिक्किम, हर जगह मतलब छा जाएंगे बंदा। आई वुड लव टू परफॉर्म इन दार्जिलिंग, आई परफॉर्म वंस इन दाली। दाली में है हमारी रिंपो छे के, वहां पे हमने परफॉर्म करा था। अभी फैजल हमें लद्दाख का व्यू दिखाने वाले है। यहाँ पर देखो प्यारे प्यारे डॉग्स है यहाँ पर। हेलो, काटेगा तो नहीं काटेगा? हाँ, यहाँ पर देखो मोनेस्ट्री है। सुबह सुबह ले लद्दाख में आके ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, इतना हेक्टिक राइड। कल का मतलब राइड तो बहुत ज़्यादा टफ राइड था गाइस सच में। ओ माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल सच में यार, देखना चाहते हैं आप। ये देखो, ये पूरा लेह सिटी है ना, जो वाला पुराना पैलेस है गाइस। देखो यहाँ पर देख लिया तो अभी हम मोनेस्ट्री जाके आए हैं पास। चलो हाँ चलो गाइस, देखो ये पूरा लेह सिटी है ना, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया सा। चलो अभी हम मोनेस्ट्री जाएंगे एंड यहाँ कर मतलब जो ग्रीटिंग करते हैं ना, नमस्ते ऐसे बोलते हैं ना, यहाँ पर हम बोलते हैं झूले है ना। झूले झूले, ओ देखो भाई, हम फैजल भाई ऑटोग्राफ, फैजल ऑटोग्राफ। सची में यार, मैं तो ऑटोग्राफ मांगना ही भूल गए, मुझे भी दे देना यार। को नहीं ठोपाने ले, को व्लॉगर ही नहीं ले। आप व्लॉग में आएंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, मेरे को तो नहीं। हमारे लद्दाख की बहुत हो रहे हैं। हाय जिले, नमस्ते जिले। देखो गाइस, मैंने बोला ना फैजल इतना फेमस है, मतलब हर जगह पर ऑटोग्राफ। हम सब लद्दाख छोटा सा जगह है यार, आप लोगों भी ऑटोग्राफ चाहिए तो गाइस फैजल को दार्जिलिंग इनवाइट करना यार। नहीं, ये गिफ्ट है आपके लिए। ठीक है, बाय बाय जिले। जिस पर मैं गया ना, वो एक पैलेस पुराना, वही राजा का पैलेस यहाँ है कि दूसरा राजा है? नहीं, डायनेस्टी का है शायद। ओ देखो, वो डायनेस्टी तो सेम है। ओ भाई देखो, ये पूरा पत्थर, पूरा सोलिड पत्थर,
वो उस तरफ से दिखेगा शायद। बाकी ये जो लेसिटी यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रीज है ना, ग्रीन ग्रीन ट्रीज। पहाड़ तो हमारे यहाँ पे वैसे भी नंगे होते हैं। हाँ हाँ, मतलब पूरा मतलब ड्राई पहाड़ होते हैं, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो जहाँ पर बहुत सारा पार्किंग है ना, गाड़ियाँ लगा हुआ है ना। हाँ, ये है राजा का पैलेस। गाइस हम तो थेरे मुसाफिर, परदेसी मुसाफिर, मतलब बाइक में कहाँ रहना कहाँ वाला ठिकाना नहीं ऐसे। मतलब देखो हुलिया देखो अपना, ऐसे स्लीपर में आ गए। चलो सुबह सुबह मोनेस्ट्री लेके आए हमारे फैजल भाई, थैंक यू सो मच। हाँ यार, दिन का शुरुआत बहुत अच्छा है। दिन का शुरुआत हम थोड़ा स्पिरिचुअल वे में करें तो अच्छा है ना। तुम इतना दूर से आए हो हमारे लद्दाख घूमने, वो भी दार्जिलिंग से भाई। हमारे से यहाँ से हमारे गांव तक ना चला जाए। इधर से किधर से? हेलो जूले, उधर एक ऐसा वो से नहीं, पहाड़ के ऊपर एक, या वहाँ पे भी हम जाओ। वो दार्जिलिंग में जो जापानीज टेम्पल है ना, वैसा ही टाइप का टेम्पल है। भगवान जी मुझे आशीर्वाद दे रहे सच में यार। चलो आशीर्वाद लेके आते हैं सच में। चलो लेट्स गो। ये देखो गाइस सीढ़िया पूरा पत्थर से बना हुआ, मतलब ये बहुत ही पुराना है, पहले से ऐसा है ना ये। देखो तो पत्थर और मिट्टी के बनते थे, ये लकड़ी पूरा लकड़ी अंदर है, फिर पत्थर से बना हुआ मिट्टी है। हाँ मिट्टी है, अच्छा है। सो गाइस अभी हम पहुंच गए यहाँ पर ले मार्केट में, एंड यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं ये यहाँ का मस्जिद। देखो मस्जिद मतलब इतना अच्छे से वो है, मस्जिद देखो पूरा वुड से बनाया हुआ है। वाओ गाइस, और यहाँ से सीधा ये है ले मार्केट। एंड आप लोगों को क्या लगता है, ये एमजी मार्क जैसा नहीं लग रहा है गैंगटॉक का? देखो ना एग्जैक्टली सेम टू सेम, मुझे तो ऐसा लग रहा है सिक्किम में आ गए हो। सेम टू सेम सिक्किम जैसा है। वही तो मुझे भी उसी स्टाइल में बनाया। सेम है ना, देखो इस तरफ से वॉक है, यहाँ बीच में ऐसा बैठने का और साइड साइड में ऐसे स्टॉल्स। तो चलो अभी सबसे पहले तो मेरा सिम निकालना है, एंड मेरा फ़ोन का जो पिछली बार गिरा था ना उसका टेम्पर ग्लास चेंज करना है। ऐसा ही काम लगाना है। गाइस देखो ये पूरा सब्जी मार्केट आ गया, अभी हम फ्रेश सब्जी आए। हेलो चलो गाइस अभी ले मार्केट भी थोड़ा बहुत घूम लिया, हम अपना पूरा काम हो गया, सिम भी निकाल लिया, एंड सिम भी अभी नेटवर्क भी आ गया, नेट भी चल रहा है, अच्छी बात है ना। अभी घर में फ़ोन करेंगे सब लोग को, अपडेट करेंगे कि भाई अभी दर्शन ब्लॉक पहुंच गए ले लद्दाख, और वो भी हमारे फैजल भाई के साथ में है। और अभी देखो दवाई ववाई ले लिया, अब ये खा के और ठीक हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। फाइनली वी आर हियर फॉर लंच। एक्चुअली ना फैजल भाई मुझे एक ट्रेडिशनल खाना मतलब खिलाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज क्या वेडनेसडे है ना, मैंने तो वो जगह मतलब बंद रहता है आज, तो हम मुझे भी पता नहीं था, बट बहुत वो बंद था तो इसलिए हमको दूसरी जगह आना पड़ा, बट ये भी काफ़ी बढ़िया है। चलो गाइस फिर भी हम खा रहे हैं लैपिन, ये है थुप्पा एंड तेंदू। सो इतने सारे खाना हम दो भाई काफ़ी है। तो और भी कुछ आना बाकी है कि इतना ही है? मोमो बोला था मैंने, बोला ना बाकी है गाइस मोमो आना बाकी। ये लैपिन दवाई ले रहे हैं, खांसी का दवाई है, एंड दवाई लेके थोड़ा बहुत राहत मिल गया, एंड यहाँ पर मुझे वॉकिंग स्पेस भी मिल गया है,
ये हमारा फैजल भाई का वर्किंग स्पेस है, शायद कि अंकल जी का है, मेरा है। तो चलो ये फैजल भाई का वर्किंग स्पेस में अपना पूरा काम कर लिया, एक वीडियो तो पूरा मतलब कर दिया है, अब दूसरा वीडियो में काम कर रहा हूँ। चलो अपलोडिंग में छोड़ लेते हैं, एंड मेरा नया सिम में जो है ना इंटरनेट मैंने डाल दिया है, तो उससे मैं काम चला रहा हूँ। और अभी चलो थोड़ी देर फिर बाहर घूमते हैं, फिर बाद में क्या करना है मुझे पता नहीं, फैजल भाई का मुझे वही करना है अभी। अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं अपलोडिंग, बाद में हो जाएगा अपने आप। चलो गाइस ये अपना फैजल भाई का गाड़ी में चलेंगे, ये बलिनो है एंड इसको मैंने नाम दिया क्या बोले, बलिनो, बलिनो का नाम बाहुबली, बलि बाहुबली, हाँ बाहुबली। तो गाइस बाहुबली में जाते हैं अभी। गाड़ी का नाम दे दिया बाहुबली, खुल जा सिम सिम बाहुबली, मैं बोल दूंगा, थोड़ा समय दे दीजिए मेरा, ठीक है ठीक है। कल मेरा प्लान है कि मैं जाऊंगा तुर मतलब यहाँ से कौन सा पास है, रोहतांग है ना, खरदुंगला, सॉरी कल मैं जाऊंगा खरदुंगला पास, और फिर वहाँ से मैं जाऊंगा नुब्रा वैली, एंड देन नुब्रा वैली से मैं जाऊंगा तुरतुक विलेज जो कि इंडिया के लास्ट विलेज है, वहाँ से बगल में पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान पहुँच गया हूँ गाइस, जो कि मेरा गाँव है वो भी, तो बोलो तुरतुक तो गाइस हमारा फैजल भाई का गाँव है, एंड फैजल अभी आइए, दर्शन के व्लॉग देखते हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं हमारे गांव में, तो एंड वहां पर अगर आप जाएंगे तो ये वाला स्टे यहां पर स्टे करना, मैं भी कल यहां पर जाके स्टे करूंगा। तो गाइज यहां पर नंबर वंबर सब दिया है, अगर आप लोग तुरतुक जा रहे हो तो यहां पर कांटेक्ट करना, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस सब है यहां पर, तो कल मेरा स्टे वहीं पर होने वाला है, एंड हालांकि मतलब फैजल में ही नहीं होगा लेकिन वहां पर सब कुछ मुझे मिल जाएगा ना भाई। हां एवरीथिंग विल बी रेडी फॉर यू। ओके ओके चलो, तो बेसिकली अभी हम कहां जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं, अभी मैंने सोचा क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है उसकी वो है कैफे, तो मैंने सोचा दर्शन भाई को वहाँ ले जाता हूँ, और थोड़ा शाम को आते हुए यहाँ से जो सिटी लाइट्स भी दिखेगा, चलो चलो उनको उसको भी दिखाते हुए लाएंगे। चलो है ना गाइस, हर बार मैं फैजल भाई को ना मतलब कैमरा देता हूँ शूट करो बोल के ना, फैजल भाई हमेशा मतलब वो करना भूल जाता है, मतलब रिकॉर्डिंग करना भूल जाता है। सुबह हम मॉनेस्ट्री गए थे ना, वहाँ पर भी रिकॉर्डिंग ही नहीं किया पूरा, इतना अच्छा वीडियो शूट किया गाइस। हुआ क्या था पता है, लेकिन इन्होंने मुझे वीडियो दिया, ठीक है, तो यूजुअली क्या करते हैं हम, जैसे वीडियो देते हैं तो रिकॉर्डिंग करके थोड़ी ना देते हैं, वो हम ऐसे ही देते हैं ना, फिर से दबा देते हैं ना, मुझे गलती क्या कर दिया उन्होंने, मुझे खुद ने रिकॉर्ड करके भेजा, तो मुझे वो बटन दबाया हुआ पता नहीं चला था, आई थॉट कि लाइक अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं खुद रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं तो बढ़िया से शूट कर रहा हूँ, पता चला कि रिकॉर्ड का दबन बटन ही नहीं दबाया। भाई को व्लॉग बनाने का आदत नहीं, सिर्फ गाना गाने का आदत है, नहीं सीख रहा अब, ये हमारा बहुत टफ प्रोफेशन है व्लॉगिंग, तो हमको क्या पता है ना, अब आप सिखाएंगे दर्शन भाई धीरे धीरे। मैंने बोला कि फैजल भाई आप व्लॉग बनाओ, क्योंकि इनका फैन फॉलोइंग जो है ना बहुत ही बड़ा है, तो उसमें अगर व्लॉग बनाएंगे तो लोग इंटरेस्टेड होंगे ना, जो फैजल भाई के फैन है ना इंटरेस्टेड होंगे, मतलब आप पर्सनल बात भी करना आना चाहिए ना भाई, ये नहीं आता हमको, मुझसे भी स्पीड बोल रहे हैं यार, बातें करना नहीं आते वो, नहीं नहीं बस कैमरे के सामने अलग बात है ना यार, और जिस तरह से आप कंटेंट बनाते हो उसमें कितना मेहनत जाता है, लेकिन इस बार की तरह रिकॉर्ड करना मत भूलना, मैं फिर बिना रिकॉर्ड करके वीडियो बनाऊंगा और बाद में एडिट करने पे पता चलेगा कि यार मैंने तो ऑन ही नहीं किया था बोल के। चलो गाइस अभी देखो रास्ता, देखो अभी हम जा रहे हैं, हम शॉर्टकट से ले जा रहे हैं, ठीक है, लाइक मार्केट के मेरे घर से पीछे की तरफ से सीधा ले जा रहा हूँ, ताकि भाई को ज्यादा तकलीफ ना हो। यहाँ पर देखो गाइस माउंटेन व्यू है, माउंटेन व्यू, there's stuck on my wall like neon paintings and I'm so tired of being on ends to everyone by myself I do it so well. So guys ye dekho Leh market, yahan par likha hai I love Leh. So guys, अभी देखो ले में हो रहा है अपना डिनर, और ये है यहाँ तो नेपाली थकाली खाना मिल रहा है गाइस, ले में भी बहुत सारे नेपाली खाने मिलते हैं, तो आज बहुत दिन के बाद थकाली खाना खाने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अभी दोस्तों के साथ, चलो फैजल ने तो स्टार्ट भी कर दिया, देखो बहुत भूख लग रहा है। हाँ चलो ये देखो क्या क्या है, बहुत सारे है, पता नहीं क्या क्या है नाम, लेकिन अभी खाएंगे, ये है स्पेशल मटन, चलो Let's go, guys. खाना इतना टेस्टी है ना, एंड मैंने पूछा कि मतलब लद्दाखी में क्या बोलते हैं, लद्दाखी में बोलते हैं जुम्पो रखे, जिम्पो रखे, जिम्पो रखे, हम बोलते हैं दामी दामी जिम्पो रखे।
जिम्पर रखे। सो गाइस देखो मेरा पूरा खाना कंप्लीट हो गया है, फैजल ने भी कंप्लीट किया, आधा नहीं आधा खा के फिर वो चला गया। देखो थोड़ा सा वो कर दिया। और भाई आपको कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया। जिम्पोरा गाइस, नेपाली थाली माँ जिम्पोरा ऐसे बोलते हैं यहाँ पर। और खाना वाना खाया बहुत अच्छा लगा। अभी कल के लिए पैकिंग वैकिंग करना है, फिर घर जाके बहुत सारा काम है गाइस। तो चलो व्लॉग में बने रहिए, अपडेट करूँगा आप लोगों को जाके। खाना बहुत सही था सच में, मज़ा आया। जिम्पोरा माँ जिम्पोरा। चलो अभी डिनर विनर करके हम यहाँ पर आ गए हैं, एंड डिनर वॉज रियली जिम्पोरा। जिम्पोरा या जिम्बोरा क्या बोलते हैं, जिम्पोरा, एंड इससे भी जिम्पोरा तो यहाँ पर है गाइस। सच्ची में अभी हम घर वापस जा रहे हैं, एंड दिस वॉज द मोनेस्ट्री जब हम सुबह विजिट किया था। और गाइस अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगा, वो है दिस व्यू। ये देखो गाइस, ये ले का खूबसूरत नज़ारा रात में कितना ब्यूटीफुल नज़र आते हैं ना। वाओ गाइस बहुत ब्यूटीफुल है। एंड गाइस ये है मोनेस्ट्री, ये है यहाँ का ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, और ये है नीचे का ले का नज़ारा। I do it so well. We were so good at flying, but we can't keep flying. We keep getting stuck. खूबसूरत लग रहा है, देखो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा गाइस। देखो आराम से